and modify. Stop, drop it low, but pick it up carefully. Work them glutes like you in physical therapy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम क्या है, उसके बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या है और उसका काम क्या है और उसके डिविजन्स क्या है, ये सब हम कवर करेंगे इस लेक्चर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सब बेसिकली नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का वो सिस्टम है जो एंडोक्राइन सिस्टम से के साथ, यानी कि वो हार्मोन और इन सिस्टम इन के साथ मिलकर हमारी पूरी बॉडी में जितने भी फंक्शंस परफॉर्म होते हैं उसको कंट्रोल करता है। चाहे वो हमारा हाथ की मूवमेंट हो, चाहे वो हमारा हार्ट रेट हो, चाहे वो हमारी हार्ट पंपिंग है ये सब कौन कंट्रोल करता है, ये हमारा जो नर्वस सिस्टम है और एंडोक्राइन सिस्टम है वो कंट्रोल करता है। अच्छा, इसमें हमारे पास वॉलंट्री जो एक्शंस है वो भी यही कंट्रोल करता है और जो इनवॉलंट्री एक्शंस है वो भी यही कंट्रोल करता है। जैसे वॉलंट्री एक्शंस, अच्छा इसके अलावा हमारे पास जो सेंसरी और मोटर फंक्शन है वॉलंट्री में, ये भी हमारे पास कौन कंट्रोल करता है, नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है। सेंसरी से मुराद मेरा कि जैसे आप ये देख रहे हैं एक तरफ जो है ना कैंडल लगी हुई, और जैसे ही आपका हाथ उस कैंडल की तरफ जाए तो आग की वजह से आप अपना हाथ एकदम से हटा देते हैं, यानी कि आपको सेंसेशन फील होती है कि ये चीज़ गर्म है तो आप अपना हाथ हटा लो। इसके अलावा जो आपके हाथ मूवमेंट करते हो, आंखों की मूवमेंट करते हो, ज़बान निकालते हो, ये सब कौन कंट्रोल करता है, ये हमारे पास जो नर्वस सिस्टम है वही कंट्रोल करता है। जो नर्वस सिस्टम है इसका इतना कंट्रोल है हमारे बॉडी पर कि आप उसके इस इजाज़त के बगैर आप अपनी आंख तक नहीं झपका सकते, जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स आते हैं। जितने भी हमारी बॉडी में टिश्यूज़ हैं वो सब किसके अंडर कंट्रोल है, वो हमारे पास नर्वस सिस्टम के ही अंडर कंट्रोल है। जो नर्वस सिस्टम है हमारे पास, अब इसमें क्या कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इसमें हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड आता है, पेरिफेरल नर्व्स आते हैं और ब्रेन मौजूद होता है, ये ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास जो इसका कंट्रोल सेंटर है वो हमारे पास होता है ब्रेन, और ब्रेन के मुख्तलिफ सेक्शन होते हैं और हर सेक्शन का एक अपना फंक्शन होता है। बाकी जो हमारे पास जो स्पाइनल कॉर्ड है और जो पेरिफेरल नर्व्स है ये इनका क्या काम होता है कि ये हमारे पास एज अ मैसेंजर काम करते हैं। ये ब्रेन जो इनको मैसेज प्रोवाइड करता है, ये अपना मैसेज कन्वे करके बॉडी तक पहुंचाते हैं। अच्छा, डिविजन्स की अगर हम बात करें तो जो नर्वस सिस्टम है वो बेसिकली डिवाइड हुआ टू डिविजन्स में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अब फर्दर डिवाइड हुआ है थ्री और सब डिविजन्स में। इसके अलावा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपको ये येलो में शो किया गया है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये जिसमें आपके पास स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन वगैरह आ जाते हैं, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। जबकि ये इधर अगर आप देखेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं येलो, ये आपके पास क्या है, ये सारा आपके पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। अच्छा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्री ब्रांचेस है। फर्स्ट ब्रांच जिसको हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, और उसके बाद सोमेटिक नर्वस सिस्टम आता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्रेनियल नर्व्स। अच्छा, कुछ जो न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट्स हैं या जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं वो कहते हैं कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो ही ब्रांच है, ऑटोनॉमिक और सोमेटिक, मगर जो क्रेनियल नर्व्स है वो क्या काम करते हैं, वो फंक्शन सोमेटिक का भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं और ऑटोनॉमिक का भी प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए कुछ लोग फिर कहते हैं कि ये अलग से ही थर्ड ब्रांच है। तो मेरे लिहाज से भी जो थर्ड ब्रांच वाली बात है वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसका जो फंक्शन है वो दोनों का फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, तो इसलिए हमें इसको अलग कैटेगरी में रखना चाहिए। इसके बाद हमारे पास जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में भी कुछ ऐसे ही
जो कॉन्फ्लिक्ट है वो पाया जाता है, मैं आपको अभी बताता हूँ। चाहिए वे दो फर्दर टाइप्स में डिवाइड हुआ गया है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो थर्ड कन्फ्लिक्ट वाली बात है वो है एंटेरिक नर्वस सिस्टम की। कुछ लोग कहते हैं कि जो एंटेरिक नर्वस सिस्टम है, कुछ ख़ास तौर पर न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये बजात खुद एक अलग ब्रेन है, मगर कुछ लोग इसको थर्ड डिवीजन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। अच्छा, अब हम सबको एक वन बाय वन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। जो नर्वस सिस्टम है हमारे पास, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसके दो ही डिवीजन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें आपके पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें आपके पास पेरिफेरल नर्व स्पाइनल नर्व आ जाते हैं या क्रेनियल नर्व आ जाते हैं। अच्छा, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये एक वाइड रेंज ऑफ सेल्स से मिलकर बना होता है। आपके अगर सिर्फ ब्रेन उठाकर हम देखें तो ब्रेन में इतने सेल्स मौजूद होते हैं या इतने न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं जितने इस पूरे दुनिया में रेत के ज़र्रे मौजूद हैं। तो इससे आप इसकी कम्प्लेक्सिटी का अंदाज़ा लगाएं। अच्छा, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो दो चीज़ों पर बेस्ड होता है, एक होता है ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, इसके अलावा जो इसके जो मेंटेनेंस के जो प्रोसेसेस है या जो जो नर्व्स की मेंटेनेंस है, इसके लिए भी एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको हम न्यूरोग्लिया कहते हैं। आप ऐसे समझे कि जो हमारे पास ये ग्लास ऑफ वाटर है, इसमें ये वाटर पड़ा हुआ है जिसमें आपके पास ये जो सेल्स आप देख रहे हैं, मुख्तलिफ टाइप के सेल्स, ये और ये और ये ग्रीन सेल्स और ये ग्रे सेल्स और ये वाटर बजाते खुद और ये वाटर बजाते खुद, आप ऐसे समझे कि ये न्यूरोग्लिया है। जबकि इसके मुखालफत में जो हमारे पास जो बाकी स्ट्रक्चर्स रह जाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं या बॉडी कहते हैं या एग्जॉन्स कहते हैं, जिसको हम नर्व्स कहते हैं, ये आप ऐसे समझे कि ये नर्व्स हैं। तो जो न्यूरोग्लिया है उसने नर्व्स को इस तरह सराउंड किया गया होता है और हर एक का अपना अपना फंक्शन होता है। अच्छा, टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लियल सेल में अगर हम यहाँ पर आके देखें तो न्यूरोग्लियल सेल्स जो हैं ना वो दो टाइप के हैं, दो जगह पर पाए जाते हैं मुख्तलिफ टाइप्स के लिहाज से। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में फिर कुछ अलग टाइप के पाए जाते हैं। तो हम इसके टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास एपिडर्मल सेल्स हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं, इनमें इन दोनों का स्पेसिफिक फंक्शन है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास सेटेलाइट सेल्स आ जाते हैं। इसके अलावा वापस अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेल्स की बात करें तो एस्ट्रोसाइट्स हैं, माइक्रोग्लियल सेल्स हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास श्वान सेल्स मौजूद होते हैं। जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है नर्वस सिस्टम का वो होता है न्यूरॉन, एज़ आप लोग को पता होगा या शायद नहीं पता हो। अच्छा, तो न्यूरॉन की क्या अरेंजमेंट है और उनकी बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। अच्छा, न्यूरॉन जैसे ही आपके सामने स्ट्रक्चर है जो राउंड शेप इन द सेंटर ऑफ द न्यूरॉन अ बॉडी कंटेनिंग, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। इसके अलावा जो बाकी जो ग्रीन स्ट्रक्चर में आपके पास आ रहा है ये सेल बॉडी है। जो श्वान सेल्स है जिसको माइलिनेटेड शीट भी कहते हैं। और इसके बाद एग्जॉन है जो बॉडी है जो पिंक कलर वाली है, पिंक बेसिकली बॉडी ऑफ द न्यूरॉन को क्या कहते हैं, एग्जॉन कहते हैं। और जो डेंड्राइट्स हैं वो जो स्टार्ट बॉडी सेल बॉडी के साथ अटैच्ड होते हैं, ये है नेटवर्क ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं। इसके अलावा जो नोड्स ऑफ रणबीर बेसिकली जो दो माइलन शीट है उनके दरमियान जो स्पेस होता है उसको ही कहते हैं, ये 0.2 नैनोमीटर या माइक्रोमीटर होता है। डेंड्राइट्स जो है ना वो काम इस तरह परफॉर्म करते हैं कि सबसे पहले डेंड्राइट्स को जो है ना जो आपके सिग्नल्स हैं वो मयसर होते हैं यहाँ से न्यूरॉन्स जो डेंड्राइट्स है उसको आगे पास करके सेल बॉडी को दे देते हैं, और सेल बॉडी पर आगे माइलन शीट के ज़रिए और एग्जॉन बॉडी के ज़रिए इसको आगे पास करके दूसरे न्यूरॉन के जो न्यूरॉन टर्मिनल ऑफ द न्यूरॉन है इसके मदद से दूसरे न्यूरॉन्स को पास कर देते हैं।
जो हमारे पास, अच्छा, जो मुख्तलिफ सेल न्यूरॉन्स या जो नर्व सेल्स मिलकर एक क्लस्टर ऑफ स्ट्रक्चर बनाए थे, तो इसको अगर सेंट्रल नर्व सिस्टम में ऐसा स्ट्रक्चर बने तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियाई, और अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ऐसा स्ट्रक्चर, एक गुच्छा स्ट्रक्चर बने तो उसको हम क्या कहते हैं, गैंग्लियन। सर जैसे यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जांपल देता हूँ, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है, जैसे ये ब्रेन है, ब्रेन में ये मुख्तलिफ टाइप ऑफ सेल्स, एक न्यूरॉन्स जो है ना वो इकट्ठे हुए हैं, जिसमें ब्यूटामिन है, ग्लोबस पैलोडस एक्सटर्ना है, ग्लोबस पैलोडस इंटरना है, तो ये सारे एक साथ मिलकर इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियाई। अच्छा, इंटीरियर ऑफ सी एन एस अगर हम देखें तो ये जो है ना, अगर हम स्पाइनल कॉर्ड को कट करके उसको ऊपर से देखें तो हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा। इसमें हमारे पास वाइट मैटर और ग्रे मैटर मौजूद होता है। वाइट मैटर क्या होता है, वो इसमें जो है ना एग्जॉन बॉडीज़ मौजूद होती है, और उसमें उसके साथ साथ ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं। जो ग्रे मैटर है उसमें आपके पास जो सेल बॉडीज़ हैं, जो न्यूरॉन की सेल बॉडीज़ है, वो एम्बेडेड होती है न्यूरोग्लिया में। अच्छा, जैसे फ़र्ज कर ली, ये जो है ना हमारे पास जो भी स्ट्रक्चर आए हैं, ये आपके पास है ग्रे मैटर। ये इसकी क्या है, जितने भी जो हमारे पास न्यूरॉन्स है ये उसकी सेल बॉडीज़ है, और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये क्या है, ये आपके पास एग्जॉन्स है, जिसको सेल प्रोसेसेस भी कहते हैं। तो ये आपके पास जो वाइट में है ये वाइट मैटर है, जो और जो ब्लू कलर में है वो ग्रे मैटर है। जैसे इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं, ये देखें, ये बेसिकली इस तरह का स्ट्रक्चर इख्तियार करते हैं। ये देखिए, ये सेल बॉडीज़ है, ये ग्रे मैटर में आए हैं, और ये जो एग्जॉन है, ये एग्जॉन वाला एरिया वाइट मैटर को बनाने में अपना किरदार अदा करता है। अच्छा, जो लार्ज पॉपुलेशन है, जो जितने भी वाइट मैटर के जो एग्जॉन है वो क्या होते हैं, माइलिनेटेड होते हैं, इसलिए इसका कलर वाइट होता है। और जो ग्रे मैटर है उसमें जितने जो सेल बॉडीज पाई जाती है वो नॉन माइलिनेटेड होती है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर ग्रे होता है। इसके बाद हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करेंगे, तो स्पाइनल कॉर्ड को ये जो एरिया है इसको अगर हम डाइसेक्ट करें और हम उसको ऊपर से फिर देखें तो हमारे पास कुछ यूँ स्ट्रक्चर आएगा, जिसमें हमारे पास जो एक एच शेप स्ट्रक्चर होता है, इसमें हमारे पास दो हॉर्न होते हैं, पोस्टीरियर या डोर्सल हॉर्न जिसको हम कहते हैं इंटीरियर, और दूसरा उसको जो टाइप होता है वो इंटीरियर और वेंट्रल हॉर्न कहते हैं। इसके अलावा एक दरमियान में एक सुराख टाइप होता है, जिसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड मौजूद होता है, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल कैनाल। जो मेल जो स्पाइनल कॉर्ड है वो 45 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है, और जो फीमेल्स में होता है वो 42 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है, ये लेंथ। और ये बेसिकली कहाँ पर एंड होता है, लंबर वर्टिब्रा फर्स्ट से लेकर लंबर वर्टिब्रा थ्री पर। कुछ बुक्स में ये कहा गया है कि ये जो एंड होता है वो लंबर फर्स्ट वर्टिब्रा पर होता है, और कुछ बुक्स में इसको लंबर थर्ड वर्टिब्रा को इस पर एंड होने का जिक्र किया गया है। और इसके बाद जो स्ट्रक्चर का स्टार्ट होता है, जिसको हम कॉडा इक्वाइना कहते हैं। अच्छा, इसमें इसकी जो आउटर कवरिंग्स होती हैं उसमें सबसे पहले ड्यूरा मैटर आता है, उसके बाद एरेक्नॉइड मैटर आता है, उसके बाद पाया मैटर आता है, जो कि कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर्स इख्तियार करते हैं, जैसे ये आप देख सकते हैं। अच्छा, जो थोरासिक लेवल पर जो एक जो बम्प लाइक स्ट्रक्चर होता है, या जो एक्सटर्नली ओपनिंग होती है एक, जिससे जो है आपके ऑटोनॉमिक नर्व्स निकलती हैं, उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, लेटरल ग्रे हॉर। ये स्ट्रक्चर से आप देख सकते हैं, इसको हम कहते हैं लेटरल ग्रे हॉर। सब अभी हम स्ट्रक्चर ब्रेन में थोड़ा सा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में देखते हैं कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता क्या है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जैसे आप ये देख रहे हैं ये ब्लू कलर में जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। इसका काम क्या होता है कि ब्रेन को ल्यूब्रिकेट करना, और इसकी जो न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करना, और इसमें डिफेंड करना, ब्रेन को डिफेंड करना पैथोजन वगैरह से भी इसके फंक्शन में आ जाता है। इसके बाद ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये आपके मेनिंजीज है। मेनिंजीज, जैसे मैंने आपको स्पाइनल कॉर्ड में बताया, सेम इधर भी ऐसे ही होता है। ये यहाँ पर ऐसे स्ट्रक्चर्स, ऐसे लेयर्स की शक्ल में बने होती हैं। जैसे ऊपर वाली लेयर थी आपके पास ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड मैटर, और ये लास्ट वाली क्या है, पाया मैटर। ठीक है, तो ये अच्छा जो वेंट्रिकल्स है हमारे पास, ये
जो वेंट्रिकल्स है इनका काम क्या होता है कि ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूड है उसको बनाएं और उसको प्रिपेयर करें, और जितनी भी रेगुलेशन होती है वो यहीं पर होती है। अच्छा, पार्ट्स ऑफ ब्रेन अगर हम देखें तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखते हैं कि अगर हम ब्रेन को कट ना करें और ऊपर ऊपर से देखें तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसमें हमारे पास फ्रंटल लोब आता है, यानी कि ब्रेन को आगे वाला हिस्सा। आप ऐसे समझे कि हमें ये बंदा खड़ा है, ये इसका फ्रंट वाला एरिया है और ये बैक वाला एरिया है, और हम इस साइड से इस बंदे को देख रहे हैं, ठीक है। तो ये फ्रंटल लोब है। फ्रंटल लोब बेसिकली मोटर कॉर्टेक्स जिसको हम कहते हैं, इसका काम क्या होता है, जितने भी मोटर फंक्शन है वो हमारे पास ब्रेन में वो फ्रंटल लोब कंट्रोल करता है। उसके बाद हमारे पास पैराइटल लोब आता है, और इस एरिया के बाद जो ये एरिया है आपके सामने, इसके बाद हमारे पास सेंसरी कॉर्टेक्स स्टार्ट हो जाता है ये, ठीक है। इससे जो आगे वाला एरिया है ये मोटर कॉर्टेक्स है, और इसके जो पीछे वाला एरिया है जितना भी वो है सेंसरी, जो कि सेंसरी फंक्शन प्रोवाइड करता है, जिसमें हमारे पास पैराइटल लोब आता है, ऑक्सीपिटल लोब आता है, सेरिबेलम आता है। और इसके बाद अगर हम डीप नीचे जाके देखेंगे तो इसमें हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है और ब्रेन स्टेम है, टेम्पोरल लोब है, जिसका इसमें जितने भी जो पार्ट्स ऑफ ब्रेन है इनमें सबके अपने अपने फंक्शन है, जैसे कि टेम्पोरल लोब मेमोरी वगैरह और लैंग्वेज वगैरह में इसका अपना बड़ा किरदार आता है, और ये है ऑल्फैक्टरी बल्ब। और ऑक्सीपिटल लोब जो है ना वो विजन वगैरह में काम अपना एक्शन परफॉर्म करता है। जो सेरिबेलम है वो हमारी बॉडी को जो है ना चलने फिरने में और एक बैलेंस रखने में इसका एक अहम रोल अदा करता है। हमारे पास अगर हम ब्रेन को कट करके देखें सजाइटल सेक्शन से, अगर हम इसको कट करें और साइड से देखें तो हमारे पास ब्रेन का स्ट्रक्चर कुछ यूँ आ जाता है। तो ये आपके साथ ब्रेन स्टेम जैसे मैंने आपको बताया, ये सेरिबेलम है, और ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स जिसमें हमारे पास मोटर कॉर्टेक्स और सेंसरी कॉर्टेक्स आते हैं, और ये कॉर्पस कैलोजम। कॉर्पस कैलोजम ऐसा स्ट्रक्चर है जो दो हेमिस्फेयर्स को या जो दो सेरिब्रल कॉर्टेक्स को आपस में जोड़ के रखता है। ये बेजल गैंग्लिया है, ये थैलेमस है, और ये अमिग्डला है। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास क्रैनियल नर्व्स मौजूद होते हैं और स्पाइनल पेरिफेरल नर्व्स मौजूद होती हैं। क्रैनियल नर्व्स बेसिकली 12 इन नंबर होती हैं और ब्रेन स्टेम से निकलती हैं, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अच्छा, क्लस्टर ऑफ नर्व, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर नर्व्स का एक गुच्छा, जैसे कि ये देख रहे हैं आप, ये गुच्छा बना है और ये पेरिफेरल नर्व सिस्टम में बना है, तो इसको हम क्या कहते हैं, गेंगलियन कहते हैं या गेंगलिया कहते हैं। जो नर्व स्पाइनल नर्व्स होती है वो 31 पेयर में होती है, सर्वाइकल तो ऐसे एक लंबर और सैक्रल और कोक्सीजल, और जो इसमें हमारे पास बहुत सेंसरी नर्व्स भी होती है और पेरिफेरल मोटर नर्व भी होती है। ये काम क्या करती हैं, इस भी हमारे पास ऑटोनॉमिक काम परफॉर्म करती है, क्रैनियल नर्व्स का भी काम करती हैं, और सोमेटिक नर्व भी इसमें अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। जो हर एक नर्व है वो निकलती है वर्टिब्रल फोरमेनास से और एंटीरियर और पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से। अच्छा, अगर हम इसको नर्व्स को ओरिजिनल में देखना चाहें तो अगर हम डाइसेक्ट करें एक एरिया को, जैसे ये डाइसेक्शन, तो इसका हमें जो नर्व्स नज़र आएंगे वो वाइट कलर या ग्रेश वाइट कलर में हमें नज़र आएंगी, और फेशिया जिसको कवर किया होगा, एल्वियोलर टिश्यूज यानी जिसमें फेशिया आता है वो उसको कवर करके रखता है। पेरिफेरल स्पाइनल नर्व्स की अगर हम बात करें तो उसकी डिवीजन है, तीन डिवीजन है, जिसमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आता है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम आता है, और क्रैनियल नर्व्स आते हैं। क्रैनियल नर्व्स के बारे में अगर हम सबसे पहले पढ़ें तो हमारे पास 12 क्रैनियल नर्व्स होती हैं जो कि ब्रेन स्टेम से निकलती है, और हमारे पास मुख्तलिफ फंक्शन अदा करती हैं, जैसे कि फेस के मसल्स को, ट्रेपीजियस मसल्स को, आई के फंक्शनिंग के लिए इन सब का मेन रोल रहता है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे इसके फंक्शन होते हैं। ये सेंसरी भी होती हैं, मोटर भी होती हैं, और एक वक्त एक नर्व की दो करेक्टरिस्टिक एक साथ भी होती है, यानी कि सेंसरी और मोटर दोनों एक साथ होती हैं। 12 पेयर होते हैं और जो कि अपना फंक्शन अदा करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में भी। तो अच्छा, इसके बाद हम सोमेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। सोमेटिक नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम है जो आपके मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को इनर्वेट कर रहा होता है, यानी कि वो सिस्टम जिसमें आपके पास
मसल्स आते हैं, बोन्स आते हैं, लिगामेंट्स, टेंडन, फेशियाज, रेटिनाकुलास और ये सब आते हैं। ये आपका मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है या बरसास वगैरह। अच्छा, जो इसके जो नर्व्स हैं उसमें आपके आपको जो जैसी ओरिजिनेशन होती है डोर्सल रूट से, तो आपको एक गेंगलिया नज़र आएगा, ये जिसको पैरावर्टिब्रल गेंगलिया कहते हैं। अच्छा, जो इसके बाद जो नर्व्स हैं, जो सेंसरी नर्व्स है और मोटर नर्व्स है, जो ब्लू कलर में और रेड कलर में आपको सेंसरी और मोटर नर्व्स नज़र आ रही हैं, जो के निकल के आती हैं और एक रेमाई स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसको इसको ये देखें यहाँ पर, इसको हम क्या कहते हैं, रेमाई। रेमाई क्या होता है, वो स्ट्रक्चर, कम्पैक्ट स्ट्रक्चर जिसमें जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकल कर सेंसरी और मोटर नर्व बोथ दोनों को एक साथ अपने साथ लेकर चले, तो इसको हम क्या कहते हैं, रेमाई। इस तरह दो रेमाएँ होती हैं, जैसे हमारे पास डोर्सल रेमाएँ होती हैं और वेंट्रल रेमाएँ होती हैं। तो जो पोस्टीरियर रेमाएँ हैं वो किसको सप्लाई करती है, वो मसल्स ऑफ द बैक और स्किन को, अच्छा बैक और स्किन के मसल्स को इनर्वेट कर रही होती है। जो इंटीरियर रेमाएँ के रेमाएँ है वो इनर्वेट करती है किसके, लिम्ब्स को, एब्डोमिनल वाल को और स्किन को और लेग्स, हैंड्स, इन सब को। कौन सा रेमाए इनर्वेट करता है, इंटीरियर रेमाए। अच्छा, जो जो ईच जो रेमाए हैं, जैसे मैंने आपको बताया, उसमें सेंसरी नर्व भी मौजूद होती है और मोटर नर्व भी मौजूद होती है। अच्छा, इसके बाद स्मॉल एक मेनिंजियल नर्व निकलती है, जो कि मेनिंजीज को या लेयर्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड को इनर्वेट करती हैं। इसके बाद हम देखते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का काम बेसिकली क्या होता है कि वो इनवॉलंटरी एक्शन, यानी वो एक्शन जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको कंट्रोल करते हैं। जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम था वो हमारे पास वॉलंटरी एक्शन कंट्रोल करता है, यानी वो एक्शन जो हमारे कंट्रोल में होता है, जैसे हाथ को हिलाना, पाँव को हिलाना, ठीक है। तो ये हमारे पास वो एक्शन है जो हमारे कंट्रोल में होते हैं। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ये वो एक्शन होते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जैसे कि दिल का धड़कना या हार्ट रेट। अच्छा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ना वो कंट्रोल किया जाता है हाइपोथैलेमस से, जो ये ब्रेन आप इस GIF में देख सकते हैं या इस मॉडल में देख सकते हैं। अच्छा, जो होम्योस्टेसिस है, जो आपका जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, आपकी बॉडी को होम्योस्टेसिस कंट्रोल करता है अकॉर्डिंग टू इट्स एनवायरनमेंट या इस रिक्वायरमेंट। होम्योस्टेसिस से मुराद मतलब जो हमारी बॉडी को अपने रिक्वायर्ड फंक्शन को अदा करे ना, जो हमारी बॉडी है वो ना अपने हद से ज़्यादा एक्शन परफॉर्म करे या काम करे, या ना हद से कम, ताकि दोनों उसमें जो है ना हमारे मसले मुख्तलिफ़ किस्म के मसले प्रोड्यूस मुख्तलिफ़ किस्म के मसले पैदा होते हैं। तो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो इसको कंट्रोल करता है। अच्छा, जो मेन डिफरेंस है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है और जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है वो ये है कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के उसको रिक्वायर होती हैं कि वो दो नर्व्स और गेंगलिया चाहिए होता है उसके अपने नर्व की प्रोपगेशन के लिए या उसको अपने एक्शन परफॉर्म करने के लिए। जबकि सोमैटिक नर्वस सिस्टम में अगर आपने देखा होगा एक ही नर्व होती है जो कि मसल्स को या स्किन को इनर्वेट कर रही होती है। और इसके अलावा ये जो है ना जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स है, यानी कि वो केमिकल मैसेंजर्स जो एक नर्व से दूसरे नर्व की तरफ मैसेज लेकर जाएं, जो जंक्शंस में जो नर्व जंक्शंस है यहाँ पर ये देख सकते हैं साइनेप्टिक जो जंक्शंस है इसमें आप देख सकते हैं, जो ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर है वो आपके पास आता है, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रिलीज़ करते हैं वो एसिटाइल कोलिन और नोरएपिनेफ्रिन होते हैं। इसमें कुछ जो नर्व्स है वो डायरेक्टली भी इनर्वेट होती हैं, जैसे कि आप ये नर्व देख रहे हैं जो हार्ट को इनर्वेट कर रही है, जिसको हम स्प्लेंकनिक नर्व कहते हैं, और जो कुछ नर्व जो गेंगलियन के ज़रिए जाके इनर्वेट करते हैं, जैसे कि ये नर्व्स आप देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये एक गेंगलियनिक चेन के ज़रिए अपनी प्रोपगेशन या जो जो मैसेजिंग है वो आगे फॉरवर्ड करता है, जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है वो एक इसको रिक्वायर होता है गेंगलियनिक चेन।
जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की नर्व्स है, या तो ये ब्रेन स्टेम से निकलती है क्रेनल नर्व्स की शक्ल में, या फिर लेटरल हॉर्न ग्रे हॉर्न ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम से निकलती है, चाहे वो थोरैसिक थोराकोलंबर हो या क्रेनियोसैक्रल हो, जो जैसे आपने ये देख रहे हैं लेटरल ग्रे हॉर्न। अच्छा, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की डिवीजन है वो तीन है, सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम और एंटेरिक या इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम भी इसको कहते हैं। जो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम है वो आपको आपकी बॉडी को उस टाइम कंट्रोल करता है जब आपकी बॉडी कोई इमरजेंसी कंडीशन में हो। फॉर एग्जांपल आप की फाइट है या आप लड़ रहे हो किसी के साथ, तब जो आपकी बॉडी की जो हालात होगी वो किसके कंट्रोल में होगी, वो आपके सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम में होगी। तो जितने भी आपको इनवॉलंटरी एक्शंस है, जो आपके इनवॉलंटरी, बेसिक ये चीज़ जहन में रहे कि इनवॉलंटरी यानी वो एक्शंस जो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो कौन कंट्रोल करता है, सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। जो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम की नर्व्स हैं वो जो है ना थोरैसिक T1 से लेकर L2 से ओरिजिनेट होती है और फिर अपने जो मंजिल की तरफ जाके उसको इनर्वेट करती है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये स्प्लैंकनिक भी हो सकती है, यानी कि वो नर्व जो डायरेक्ट जाके ऑर्गन को इनर्वेट करे, या वो नर्व जो गैंग्लियोनिक हो, जो गैंग्लियन के ज़रिए जाके उस ऑर्गन को इनर्वेट करे। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि जब ये हमारी बॉडी को इमरजेंसी कंडीशन में कंट्रोल करती है, और कौन से एक्शन, वो एक्शन जो इनवॉलंटरी हो, तो उसमें हमारे पास क्या आ जाता है, जैसे कि आपकी लड़ाई हो रही हो या कोई इमरजेंसी हो, तो आपका जो हार्ट रेट है, जो दिल का धड़कना है, वो तेज़ हो जाता है। आपको जो है ना, कभी आपने देखा होगा, आपने आपको आपने फील किया होगा कि आपको भूख लग रही है और आप लड़ रहे हो, आपको भूख लग गई है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि पेरिस्टाल्सिस जो है ना, वो मूवमेंट जो खुराक को आगे लेकर जाती है वो कम हो जाती है। और इसके अलावा रिलैक्स ब्लैडर, अगर आपने कुछ बच्चों को फाइट करते हुए देखा होगा, तो कुछ बच्चे जो है ना वो जब भी लड़ाई स्टार्ट होती है वो पेशाब कर जाते हैं, तो वो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से ही होता है, क्योंकि वो रिलैक्स जो ब्लैडर है वो रिलैक्स हो जाता है और ब्लैडर के वसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो पेइंग प्रोसेस है वो हमारे कंट्रोल से आउट हो जाता है। इसके अलावा जो डायलिटेशन ऑफ द पुपिल, यानी कि जो आपका आँख के पुपिल का साइज़ है वो बड़ा हो जाता है, और आप ज़्यादा फोकस रहते हो अपने ओपोनेंट पर कि अब ये कहाँ से वार करेगा और क्या करेगा। इसके अलावा जो स्वेटिंग होती है, जब भी आपने नोट किया होगा, जब भी आपकी लड़ाई होती है तो आपको पसीने आने, आपके पसीने छूटना स्टार्ट होते हैं। दूसरे नंबर पर हम पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम को देखते हैं। पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम में आपके पास वो नर्वस सिस्टम, जब आप रेस्ट कर रहे होते हो और आप आराम कर रहे होते हो और खुराक कर रहे होते हो, यानी कि वो कंडीशन जब आप आराम से अपना ना लड़े बगैर लड़े आप आराम से अपनी लाइफस्टाइल गुजार रहे होते हो, जैसे कि आजकल की कोरोना वायरस की कंडीशन में है, तो इसमें क्या होता है कि जो वो सारे इनवॉलंटरी एक्शंस जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, तो ये पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, जिसमें हमारे पास जैसे कि स्लो हार्ट बीट और उसके मुख्तलिफ और भी फंक्शन होते हैं कंट्रोल। अच्छा, जो ये जो नर्व्स होती हैं वो ब्रेन स्टेम से निकलती है या फिर सैक्रल रीजन से निकलती है, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन या सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो इसलिए इसको हम क्रेनियोसैक्रल पाथवे भी कहते हैं। ये जो हमारे पास कंट्रोल करती है, वो इन प्रोसेसेस को कंट्रोल करती है कि जब हम कंट्रोल एंड डाइजेस्ट मोड पर होते हैं तो हमारे जो लंग्स का फंक्शन है वो मेंटेन रहता है, और जो भूख लगने का प्रोसेस है वो ज़्यादा होता है। पेरिस्टाल्सिस यानी कि जो मूवमेंट होती है आपकी, शायद चाहे वो फीसिस की हो या चाहे वो बोलस की हो, आपके इंटेस्टाइन में, और मेंटेन करता है हमारे हार्ट रेट को ताकि वो ज़्यादा ना हो ना कम हो, और कंट्रैक्ट रखता है ब्लैडर को, यानी कि ब्लैडर मींस कि आप अपने जो पेशाब है उस पर कंट्रोल, आपका कंट्रोल होता है, ठीक है, मगर जो कंट्रैक्शन है इस पर आपका अपना कंट्रोल नहीं होता। और ओपनिंग ऑफ द स्फिंक्टर, यानी कि जो आपका ड्यूडिनम है या जो स्टमक है उसको स्फिंक्टर ओपनिंग की वजह से आपकी डाइजेशन फास्ट हो जाती है या डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से आपको भूख लगना लग जाती है और आपकी जो प्यूपिल है वो उसकी कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है,
जिसकी वजह से आप आपका नॉर्मल जो प्यूपल है वो साइज पर रहता है, उसका साइज नॉर्मल रहता है, ज़्यादा फोकस एक चीज़ पर नहीं रहता। मगर इसमें एक जो डिफरेंस है वो सिंपथेटिक और पैरा सिंपथेटिक में ये है कि सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम वो पसीने छूटने में उसका बड़ा रोल रहा रहता है, मगर जो पैरा सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम है उसमें जो है ना स्वेटिंग को रेगुलेशन या स्वेटिंग को कंट्रोल करने का कोई रोल नहीं है। अच्छा, इसके बाद हम इंडायरेक्ट नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। ये जो है ना ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की वो ब्रांच है जो कि एक मैश लाइक सिस्टम से या नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन से मिलकर बनी होती है। इसका काम क्या है कि वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक जिसमें जो कि स्टार्ट होता है क्या कहते हैं स्टमक से और एंड होता है एनएस पर, तो इसको कंट्रोल करते हैं। तो कुछ न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो ब्रेन जो इंडायरेक्ट नर्वस सिस्टम है या इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम है वो उसको सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। इसके दो प्लेक्सेस होती हैं, इसके दो डिवीजन होती है जो कि स्टार्ट होती है स्टमक से और एंड होती है एनएस पर। फर्स्ट जो वो है सब जो डिवीजन है वो माइंटेरिक नर्वस सिस्टम कहते हैं जो कि मसल्स ऑफ द इंटेस्टाइन कंट्रोल करते हैं ये, और दूसरी हमारे पास हो जाती है सब म्यूकोसल प्लेक्सेस जो कि म्यूकोसा इन बिटवीन ऑफ द म्यूकोसा ऑफ द इंटेस्टाइन को के सिक्रीशन या जो फंक्शन है वो कंट्रोल करती हैं। इन दोनों को मिलकर जो फंक्शन अदा करते हैं वो है कि पेरिस्टाल्सिस का फंक्शन कंट्रोल करते हैं, ब्लड फ्लो कंट्रोल करते हैं और ऑब्जॉर्प्शन कंट्रोल करते हैं।